आपने मुझे नौजवानों के हवाले से एक फहरिस्त दी थी सुल्ताने मौसम। क्या आपने जायजा लिया उसका? जी सुल्ताने मौसम, सबसे पहले मैंने एक तखमीना लगाया है कि इन इंजीनियरों की खिदमत हासिल करने के लिए हम कितना मुआवजा अदा करेंगे। मैंने इसके लिए वजारत खजाना से राबता करके उनकी तनख्वाहों का जायजा लिया है। आपके ख्याल में क्या ये काफी है? इसमें बेहतरी की जरूरत है सुल्ताने मौसम, लेकिन फिर मैं बैंकों के पास गया सुल्ताने मौसम। किस लिए? ये देखने के लिए कि इंजीनियर सरकारी फराइज के अलावा और कोई काम कर रहे हैं या नहीं। अगर बैंक बाकायदगी से रकम अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो रियासत के अलावा दीगर कंपनियों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो क्या मालूम हुआ आपको? जकी पाशा सुल्ताने मौसम। ये आप क्या कह रहे हैं गुस्ताफ साहब? जकी पाशा की तरफ से 12 इंजीनियरों के खाते में बाकायदगी से तनख्वाह जमा करवाई गई है सुल्ताने मौसम। ये उसके दस्तावेजात हैं। सुल्ताने मौसम, ये झूठ है, बोहतान है। और फिर इसके बाद मैंने सकी पाशा के खातों का जायजा लिया सुल्ताने मौसम। हिजाज रेलवे में शरंगीजी में मुलव्वस बरतानवी कंपनी की जानिब से हर माह जकी पाशा के खाते में रकम जमा करवाई जाती है सुल्ताने मौसम। इससे जाहिर होता है कि जकी पाशा बरतानवियों के लिए काम करने की हमारे इंजीनियर्स को रकम देते हैं। सुल्ताने मौसम, इन इंजीनियर्स और जकी पाशा के साथ काम करना या ना करना आपका फैसला है। इसका क्या मतलब है जकी पाशा? नहीं मालूम सुल्ताने मौसम, नहीं मालूम। दस्तावेजात असली हैं। सुल्ताने मौसम, तहसीन पाशा, सुल्ताने मौसम, हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है। दवाले ने यही गद्दार आया था। सुल्ताने मौसम, जिस गद्दार को हम तलाश कर रहे हैं वो यही है, गुस्ताफ साहब का बेटा व्लादिमीर। गुस्ताफ साहब? मैं कुछ समझा नहीं सुल्ताने मौसम, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। गुस्ताफ साहब, तहसीन पाशा की वफात के हवाले से हमने खेल तरतीब दिया था। आंद्रे साहब इस जहर पर तहकीक करके इनका इलाज करने ही वाले थे, लेकिन उन्हें अगवा कर लिया गया। आंद्रे साहब ने हमें बताया कि अगवाकारों को भी उसी जहर से मुतासिर किया गया था। सुल्ताने मौसम ने एक मंसूबा बनाया कि तहसीन पाशे की मौत की झूठी खबर फैला दी जाए, क्योंकि जब हम ये ऐलान करें कि हमें जहर का त्रियाक मिल गया है तो तहसीन पाशा मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हों। हमने ये किसी को नहीं बताया क्योंकि इलाज के लिए काफी वक्त दरकार था। सुल्ताने मौसम का मंसूबा कामयाब हुआ। हमने अखबारात में यह खबर शाया की कि जहर का तरियाक मिल गया है और ली गई तस्वीर में अद्वियात की एक फहरिस्त थी। फिर हमने इंतजार किया, हमने ये देखने के लिए इंतजार किया कि वो अद्वियात लेने कौन आता है। मेरी मदद करें बाबा। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं।
सुल्तान मौसम, मुझे बताएं इसकी क्या सजा है। मैं अपने हाथों से इसको सजा दूंगा। नहीं गुस्ताफ साहब, हम बाप और बेटे के दरमियान कशीदगी पैदा नहीं करना चाहते। इनकी गद्दारी को साबित किया जाएगा, अदालत इन्हें सजा सुनाएगी और रियासत इस सजा पर अमल दरामद करेगी। ले जाइए।